ठीक है जी, इसकी समझ आ रही है? यस सर, क्लियर इसको बना हमने सर। ना, इसको जो है, नंबर अच्छा के वन वजह नहीं, से अच्छा वन नहीं करना, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने वन, मिसाल है इसको जीरो रखेंगे, इसको जीरोस, इसको जीरोस रखते हैं, एन पी डॉट जीरोस, इसको वन रखते हैं, इसको रखते हैं टू, टूज को तो, टूज का तो कुछ नहीं होता ना, टूज का तो नहीं होता, नो सर, जीरो सर वंस का होता। जीरोस वन का होता है, इसको हम स्टैरिक कर देते हैं, स्टैरिक फाइव, स्टैरिक टू, स्टैरिक टू ठीक है, इसको थ्री, इसको स्टैरिक फोर। थ्री, इसको स्टैरिक फोर। ठीक है, तो ये आपके पास 0, 1, 2, 3, 4 लेबल्स आ जाएंगे। सही ये है, वन के साथ अंदर नहीं कर देंगे कि बाहर करेंगे तो पूरे को नहीं करते का मल्टीप्लाई। ये पूरा ही मल्टीप्लाई हो गया ना सर, अच्छा, पूरे को हम लेबल नहीं दे रहे। ये लेबल दे रहे हैं ना अब हम, वो पीडी डॉट डमीज करके नहीं कर सकते जैसे उसमें हमने कॉपी प्रेडिक्शन फाइल में किया था। नहीं, इस तरह उनका नंबर मल्टीप्लाई ज़्यादा नहीं। अगर फर्ज जी करके 700 है तो 700 से 4 मल्टीप्लाई करके तो वो 2800 नहीं बन जाएगा। क्या करना चाह रहे हैं इससे? हम नहीं क्लास सर, डिफरेंट करने, ये क्लास आएंगे डिफरेंट कर। वन 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 का आएगा ना मैट्रिक्स, यहाँ वन 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 आएगा तो वन मल्टीप्लाई। जी, आप ये देखिए, रिजल्ट देखिएगा, इसके अच्छा क्या कह रहे अच्छा हैं, ठीक है ठीक है कैन नॉट सर। इंटरप्ट एज अ डेटा टाइप, ये क्या हो जाए, डेटा टाइप नहीं, इसके अंदर है एन पी डॉट जीरो। अच्छा वो हमने नहीं किया ना, शेप डॉट रीशेप करना पड़ेगा ना, एन पी डॉट, एक मिनट, इसको इसका कैसे होता है जरा बताइएगा अब कोई। ये जीरोस के अंदर वन लेके आ रहे हैं ना, तो वो जीरो के फंक्शन के लिए वन को देख रहा है, वहां पे डेटा टाइप होती है। ये जो वन आपने एक लगाया मिनट, इसको ये जीरो के साथ लगाना, या तो वो आप अगर उठा रहे हैं जीरो वन की पोजीशन से उठा रहे हैं ना, वो पोजीशन का हिसाब रखें शेप में, शेप हाँ जी, वो इसमें थोड़ा सा हमें गलत कर गया यहाँ पे। के बाद आपको छोटी पेरेंथेसिस लगा के तो ये जीरो वन करना होगा ना शायद, एस एच ए पी ई के बाद एक छोटी पेरेंथेसिस लगाएं, फिर ये लास्ट में एक और बढ़ाएंगे तो सर यहाँ ये शेप पे सर, शेप में सर टपल के अंदर आता है सर। इसको मैं, हाँ इसको रन करके देखेंगे। अब ये हो गया ना, ये हो गया हाँ ये मसला था, यहाँ पे तो। बड़े स्टैटिक तरीके से हम कर रहे हैं, ऐसा होना, इसके तरीका और होना चाहिए। इसका बड़ा कोई बहुत ही एफिशिएंट वे होगा अभी। ये टू वाले के साथ आपने नहीं लगाया ऊपर, ठीक ये बन गया। अब लेबल तो देख लेते हैं, लेबल 4 का क्या है आपका? ये बन गया आपके लेबल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब है। आपने इसी कंपोजिशन से इनको आप ज्वाइन कर दें, यानी कि ऐसे ही इनको ज्वाइन कर दें और इनको भी इसी कंपोजिशन में ज्वाइन करना है। आप सर ये लेबल्स दोबारा बता, ये देखें, पहले हमने, आपको पता है कि 5 क्लासेस हैं, तो ये क्लास 0 हो गई। ठीक है, ये क्लास 1 हो गई। ठीक है, ये क्लास कितनी हो गई? 2, ये 3 और ये 4। बस यही किया है आपको। समझ नहीं आई? जी सर आगे ये सर, ये आपने 0 1 क्या मतलब, कौन सा?
यहाँ यहाँ ये ये अंदर वन जी ये हर जो देखें इसके अंदर कितने इमेजेस हैं उसके बराबर हमने उसके लेबल्स देने हैं, ठीक है। इसके अंदर कितने इमेजेस हैं उसके बराबर हमने लेबल्स देने हैं, ठीक है। इसलिए हमने मतलब उसकी शेप देखें ना, ये देखें, एक मिनट, मेरे ख्याल में ये जीरो नहीं आना था, शेप जीरो तो हाँ ठीक है। कितने सैंपल्स हैं ना हर शेप में, अब इसमें कितने सैंपल्स हैं, 769, ठीक है। ये पहले वाले में तो जीरो का क्या मतलब है, इसमें जीरो का मतलब है 769, ये जीरो है ना, ये जीरो, इसका मतलब है 769, समझ नहीं आई जी सर, मैडम, आप अभी बोलती नहीं है। ये रिसाइज अंडरस्कोर इमेजेस डॉट शेप अच्छा और ये जीरो और वन ही लगाने का सिर्फ इसकी मकसद देखें, ये कि इससे हमें तादाद मालूम हो जाती है पिक्चर्स की उस हर एक में। हाँ जी सर इसकी जरा लेंथ चेक सर वन कीजिएगा, फिर क्यों की? एक लेबल की लेंथ चेक कीजिएगा लेबल की लेंथ किसी एक की ना, ताकि वो जैसे पहले वाले की कर लें, ताकि नहीं नहीं पहले वाले की नहीं, उससे नहीं, सर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका चेक कर लें। लेबल थ्री की कर लें सेम ही फिर, है, उसकी सेम ही है। ये देखिए, ठीक है। ठीक है सर, यस यस सर, अब जीरो हम तो 769 को कर रहे हैं ना आपने कहा कि रिप्रेजेंट, तो वन जो है वो क्या है? वन वन को देख लेते हैं, यानी वन को देख लें, ये ले, ये वन को देखिए आप, नहीं ये उस टुपल के अंदर जो उसके अंदर आ रहा है ना, जीरोस के अंदर आ रहा है दूसरा वन, बाद वन जो आप ये देखें, ये 1052 है, ये 1052 है। नहीं, शौकत साहब उनका क्वेश्चन ये है कि ये रिसाइज्ड अंडरस्कोर इमेजेस डॉट शेप आगे आपने इंडेक्स जीरो दिया उसके बाद कॉमा लगा के वन क्यों दिया है? वो कॉलम, एक कॉलम और 1052 रोज, ठीक है सर, ये वन कॉलम कॉलम्स टेन एंड फिफ्टी रोज को रोज रिप्रेजेंट करें। जी, ठीक है। अब आप देखें, पाइथन के सारे एक्सपर्ट हैं, अब मुझे बताएं कि हम इनको ज्वाइन कैसे करें, ऐसे ही जैसे ये पड़ा हुआ है, नॉन फायर ए को ज्वाइन कैसे करें, वो चाहे कंकैटिनेट आप कर मुझे कर नेट से, नेट से मैडम, आप मैडम मैडम आप ये ढूंढ के दें, नेट से ढूंढ के दें, आप ढूंढ के दें जल्दी से। सर, पांडास में किया था आई थिंक, कॉनकैटिनेट करेंगे इनको। नहीं, नम फाइव में कर रहे हैं, छोड़ें पांडास को, हेलो बस ढूंढ लेना, हाउ टू कॉन्केटिनेट नम फाइव इज, उसमें भी कंकैटिनेट का ही ऑप्शन है ना जी, है नंपाई में ना जी, नम फाइव डॉट कॉन्केटिनेट का ऑप्शन, एनपी डॉट, एनपी डॉट और फिर ये दबाए ना आप टैब तो आ जाता है कंकैटिनेट वाला। ठीक है। यस सर, एनपी डॉट कॉन्केटिनेट लिख के सारे नाम लिखकर एक्सेस जीरो पे। एक्सेस जीरो पे एंड हम यहाँ पे लिखते हैं पहले ट्रेन, चलो नया, यानी हाँ नया वेरिएबल है, डेटा लिखते हैं, एनपी डॉट कॉन्केटिनेट, डबल डाल दिया आपने, वाला ही है फंक्शन एमपी डॉट टैब दबाए, टैब तो टैब या एंटर दबाए हैं, ये देखें ना फायदा लें इसका, लेबल ज्वाइन भी तो कर सकते ये सारे हैं। वाले है ना, ये सारे वाले उठा के आपने इसमें डाल देने हैं, ठीक है। पर ये आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया? ज्वाइन भी तो कर सकते थे। एक वेरिएबल ज्वाइन से भी बनाए ना जी सर, एक वो एस आपने ज्यादा डाल दिए हैं, प्रॉब्लम होगी अब। टू कहाँ ज़्यादा डालनी है, के बाद, टू टू के बाद एक और एस डाल दिए हैं जी। नहीं, ये डबल टू हो गया।
यहाँ पे सर, अब तो सर लेबल लेबल के साथ इसको ज्वाइन करना चाहिए, रिकॉर्ड करिए। नहीं, इसको भी करना है, उसको भी करना है ना, लेबल को भी करना है। एक्सिस क्या आएगा, एक्सिस 1 आएगा, 0 आएगा, इसमें एक्सिस का है ही नहीं कोई केस। 0 आएगा सर, 0। जीरो होना सर, और सर एक छोटी ब्रैकेट्स इसका आएंगी, छोटी ब्रैकेट्स आएंगी इनके ना साथ। यहाँ टप्पर डबल ब्रैकेट आनी है और से ज्वाइन का फंक्शन ये हो आएगा। गया, ये हो गया, हो गया, ठीक है, हो गया। यस सर, बाय डिफॉल्ट तो 0 होता है एक्सेस। सर इसको ज्वाइन ये करने के लिए आपका अब कॉनकैटिनेट हो गए हैं सारी पिक्चर्स, ठीक है, ठीक है, ये आपकी हो गई। सर ये 4D में हो गई है, घर में चेक करेंगे ना, 4D नहीं सर, 3 में है, ये देखिए, थ्री में आनी चाहिए, वाली में 4 है ना। 4 है। एक मिनट चेक कर लेते हैं, डॉट डॉट शेप कर लेते हैं, 4 है सर। ऐसी ऐसी बारिश हो रही है, ठीक हो गया, आपकी ये देखे ना, ये टोटल कितने पिक्चर हैं, बारह कर फोर दिया। टू है, 4 2 4 4 3 2 3 आ गई। ये ज़्यादा क्यों है, ज़्यादा होंगी फिर, हमारे पास पिक्चर ज्यादा ज़्यादा होंगे, है। ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे। तो ये आपके पास आ गई पिक्चर्स। आप जो है आपने इसको भी कॉन्कैटिनेट कर लें, लेबल्स को, या लेबल्स को इसी तरीके से डेटा। और लेबल लेबल 0, इसको आपने क्या करना है, वही एनपी डॉट कॉनकैटिनेट करके, ठीक सर, कैटेगरी के अंदर टप्पल बना लो। अच्छा ठीक, वन ये आपके लेबल बन गए। ठीक है जी, ये आपके लेबल हो गए, लेकिन ये तो सारे 0 क्यों आ रहे हैं, लेबल आखिर में तो आना चाहिए 0 जीरो, आपके, हैं? ओह सॉरी, आपने उसका लेबल जीरो। वो दिया ना। हाँ ठीक है, ये आखिर में 4 है, ठीक है, 0 शुरू में, आखिर में 4। अब सर सर ये हो गया, अब ये हो गया, अब हमने इसको करना है रेंडमाइज, ठीक है, अब रेंडमाइज कर दें। रेंडमाइज करने के लिए हमारे पास जो है वो हमने कमांड देखी थी, पहले पहले आप ले रहे हैं सीड एन पी डॉट सीड करते हैं ऐसे 3 4। अच्छा यहीं पे आप जो है ना, एक तो रेंडमाइज कर लें और दूसरा इसके जो है ना आप वो कर लें, सेग्रीगेशन कर लें कि 70% लेना है, कितना लेना है, या आप मतलब 70-30 कर लें। तो इसमें जो है आप आ जाएं यहाँ पे ट्रेन अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल टू मास्किंग के जरिए कर लें। हाँ मास्किंग ठीक रहेगी, एनपी रैंडम डॉट रेंड तकरीबन नहीं सही वाले 4। हमने उसको क्या यूज किया था उस दिन, याद है किसी को? हाँ आपने less than 70 किया था एनपी डॉट पेन। ये कार वाली असाइनमेंट में, कार वाली असाइनमेंट में हमने किया था, जी 111 शायद यूज किया था उसमें सीड, और वो सर 111 की तो खैर है, वो तो कोई भी यूज़ कर लें, लेकिन मतलब मैं चाह रहा हूँ कि वो सही सही कमांड में याद आ जाए। रैंड एन था सर रैंड एन था जी, सर इससे नेगेटिव इंटीग्रल्स भी आते हैं, रैंडम डॉट रैंडम ठीक है।
हाँ रैंडम ठीक ठीक कह रही है कि वो नेगेटिव आ जाते हैं आगे एंटी लगाएंगे तो फिर आपके पास सिर्फ इंटीजर आएंगे, रैंडम डॉट रैंड ये ऐसे। अच्छा मास्क था, ये मास्क लेना था हमने, इसके मास्क लेंथ लेंथ जो है इसकी अपना कितनी है, इसकी इसकी लेंथ होगी ना, डाटा डाटा डॉट लेंथ, लेंथ डाटा, ये मास्क आएगा। तो इसको हम करते हैं लेस देन 0.7 फिलहाल कर लेते हैं, लेस देन 0.7 ये हो गया। उसके बाद हमने किया था ट्रेन, सर इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि सारे इकट्ठे हैं तो हो सकता है कि जब वो रैंडम कर रहा है तो वो अब किसी एक की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हो जाए या हो सकता है कि निगलिजिबल हो जाए तो फिर वो ट्रेनिंग नहीं आएगा। ये इस तरह से सैम्पलिंग वैसे सही नहीं रहेगी, मेरा एक आइडिया। सर रैंडम करेगा रैंडम, लेकिन वो ये हो सकता है कि किसी की जो ट्रेन कह रहे हैं वो अब वही उसी चीज का तो इलाज कर रहे हैं ना। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे एक रैंडम रन करेंगे जो ट्रू फॉल्स जनरेट करेगा रैंडमली, तो फिर हम उसको मिक्स कर देंगे, ये शफल कर रहे हैं ना, वही चीज जो आप कह रहे हैं उसको अब शफल करके डील कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर जब शफल, ये शफल कर रहे हैं लेकिन वही जो रैंडम जनरेट कर रहा है तो उसका ये ना हो जाए कि वो किसी एक खास क्लास में या 5 में से 3 से ज्यादा उठा ले, 2 का ना हो तो फिर वो ट्रेनिंग उसकी वो रह जाएगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँ आपकी बात थ्योरेटिकली ठीक है लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं ना वो ये है कि अगर ये चंक ऑफ डेटा में से यानी 20% से लेके 40% तक ये डेटा उठाए और 40 से लेके 50 तक किसी डेटा को ना उठाए, आपका कहना नहीं 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 बिल्कुल ये नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे ये फ्लावर्स का सारा डाटा इकट्ठा हो गया है, जब हमने उसमें से अब फ्लावर्स उठाने हैं जब ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि जैसे कि डेजी वाले फ्लावर्स में से ये 70% है डेजी वाले ज्यादा हो जाए, ठीक है डेजी और एक दो और ज्यादा हो जाए, कुछ एक पर्टिकुलर जो क्लास है कोई एक रोज है जैसे वो कम कम हो जाए नहीं ऐसा नहीं तो उससे वो उसकी ट्रेनिंग में जो है ना वो। आपकी बात समझ आ गई, आप बात समझिएगा, ये 5 सेट हैं ठीक है, 5 सेट फॉर एग्जांपल से कि ये 100 100 के हैं तो ये टोटल 500 है एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, तो आप सिस्टम क्या करेगा, ये रैंड का जो फंक्शन हम रन कर रहे हैं ना ये हर 5-10% को इक्वली जो है ना ये करता है उसमें रैंडम जनरेट करेगा, ट्रू फॉल्स वो इक्वल इक्वल जनरेट करेगा, जो आपका पॉइंट है ना उसको टेकन केयर कर लिया गया ऑलरेडी इसमें जो रैंड का फंक्शन होता है। अच्छा ठीक है चलें होपफुली ऐसा ही हो। यानी आपके आपके सवाल का जवाब ये है कि ये 5 में से 70 70% उठाएगा, ये किसी को भी इग्नोर नहीं करेगा। ये कैसे करेगा ना, कैसे उसे पता है, उसे तो नहीं पता क्योंकि अब हमारे लिए उसे एक पूरी वो दे दी है। सर उसको पता है, वो रीजन ये है कि जो जो रैंडम का फंक्शन है ना ये यूनिक भी जनरेट करता है और ये सर 5 से नहीं ना, अब हमने डाटा में उन सबको इकट्ठा कर दिया, अब वो एक हो गया हुआ है, जब एक हो गया हुआ है तो एक के वो ये नहीं होगा कि अब उसके लिए वो मिक्स हो गया, वो अब ये नहीं होगा कि हर एक का 70 उठाएगा, अलग अलग फोल्डर पे हम अप्लाई कर रहे थे फिर हर एक का 70 उठाता, लेकिन अब हर एक का 70 नहीं उठा रहा, किसी एक का ज्यादा आ जाएगा बिकॉज इधर कंबाइन है। आपने अज्यूम कर लिया ना, पहले बात समझ लीजिए, हमने उनको जब इकट्ठा किया है ना तो पहले जब कंकेटिनेट किया है तो वो तरतीब से कंकेटिनेट किया, ठीक है, हमने डेटा उठा उठा के नहीं किया है। ये लेवल 1 के जो 769 है लेवल पहले के लेवल 0 इसको लेंगे अगर हम, तो वो 769 पहली सीरीज में आए, उसके बाद लेवल 1 के आए, उसके बाद 2 के आए, उसके बाद 3 के आए, तो ये टोटल में हर कोई अपनी पोजिशन पे प्रॉपरली है। तो अब रैंड का फंक्शन क्या करेगा, वो यूनिक भी करेगा और इक्वली डिवाइड भी करेगा इनको, तो जब हम उठाएंगे वो चीज भी पैदा होगी जो आप कह रहे हैं। राइट चलें ठीक है, सर मतलब आपके कहने का मतलब कि हर लेवल में से 70% उठाएगा सर, ये कह रहे हैं कि हर जो हमने लेवल दिए हैं उनमें से हर लेवल में से 70% उठाएगा डाटा,
ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे डाउट चलें देख, आपका डाउट टेक्निकली क्लियर किया, आप फिर समझ, अगर नहीं समझ आई तो। नहीं, मैं अभी ये होप कर रहा हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं, तो लेट्स सी के मतलब क्या होता लेक्चर में असल में ना, है। मैं मुझे खुद इस पे एतराज था, तो ये हमने पिछले लेक्चर में ये चीज चेक कर ली थी कि ऐसा ऐसा ही करता है जैसा आप, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मैम असल में मैं मौजूद नहीं था, तो इसलिए मैंने फिर वही आप वाले डाउट के आप वाली बात मेरी भी जहन में आई थी ठीक। कि ये कंटिन्यूटी कहीं से कर ले और कहीं से ना करे, तो इसका मतलब कि हमारा जो डेटा उठाने का प्रोसेस है वो रैंडमली वो गलत हो जाएगा, लेकिन जी ऐसा जी होता नहीं है। ये रैंड के फंक्शन से हमें उसका फायदा होता है। राइट राइट ठीक है सर, थैंक यू सर, के अल्लाह। ये क्या हुआ जब साहब हो गया सीड, इसका एनपी डॉट सीड क्या है, कुछ और होता है इसका कि एनपी डॉट रैंडम डॉट सीड होगा, और लिख के तो आगे वो आप टैब प्रेस किया करें ना, तो आपको पता चल जाएगा सीड है वहां पे कि नहीं है। तो ये रैंडम में होता है सीड, फंक्शन गलत लिखा है। चलो चलो चल गया जी, चल गया चल गया। चलें जी, ये बन गया हमारा डाटा सेट जी, अब आप इसके चेक कर सकते हैं। अब ये हमारे एक दोस्त जो बात कर रहे थे मेरे साथ, शाहिद अली साहब कर रहे थे अब बात। सज्जाद सज्जाद सज्जाद, अच्छा सज्जाद भाई, देखिए आप इसमें दिलचस्प चीज और भी नोट कीजिए। हमने अभी किया कि ये है कि ये जो 22 नंबर इसकी है, लाइन नंबर अपना जो एग्जीक्यूशन नंबर 22 है, इस सेल में देखिए ये ट्रेन अंडरस्कोर डेटा है, और हमने आगे डेटा मास्क से उठाया है, और नीचे लेबल भी हमने मास्क से उठाए हैं, हमने उसको दोबारा जनरेट नहीं किया, उसी को उठाया। उसका फ़ायदा ये होगा कि जिस तरतीब से आपकी पिक्चर्स हैं उसी तरतीब से वो आपके लेबल्स भी उठाएगा, राइट यहाँ गलत नहीं होने देगा। अगर आप दोबारा जनरेट कर लेंगे तो फिर उसके गलत होने के इम्कान हैं। अच्छा, उस इम्कान को भी रोकने के लिए हमने क्या किया है, ऊपर हमने सीड प्रोवाइड किया। सीड का मतलब ये होगा कि आइंदा जितने भी नंबर ऑफ लेंथ जो देंगे ना हम रैंडम में, वो हमेशा राइट एक ऐसी ही रिजल्ट आया करेगा। नहीं, वो चीज क्लियर थी, सिर्फ मेरा उस पे डाउट था, क्योंकि मैंने एट लेंथ नहीं किया ऐसे रैंड को कि हाँ कि ये कैसे उठाएगा, तो उस पे मेरा, लेकिन आप कहते हैं वो क्लियर है, तो फुली क्लियर होगा। अरे सर, ये हमारा अब डाटा तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब सिर्फ मॉडल हमने बनाना है। तो मॉडल जो है हम कॉपी करते हैं बुक से, हमारे पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, तो मॉडल सीधा वहाँ से हम जो है कौन सा मॉडल उठाएं, न्यूज़ वायर वाला फर्स्ट मल्टी क्लास वाला है ना, मल्टीपल नहीं, हाँ वो ही शायद होगा, थ्री जो सेकंड एग्जांपल थर्ड चैप्टर, रियूटर्स वाला सा, रियूटर्स वाला, यस यस यस, ये न्यूज़ वायर वाला यहाँ पे आएगा, यहाँ इसके बाद आएगा ये रूटर्स वाला ठीक है सर, ये वाला रूटर्स डेटा सेट। तो इसका मॉडल हम उठा लेते हैं जाके सीधा, और मॉडल ये आ गया मॉडल। इसके अंदर हमने जब करना है कंपाइल, और यहाँ पे उसने हमें वो नहीं दिया ऑप्शन इसका, ये वैलिडेशन ये है, ठीक है वैलिडेशन भी दी हुई है, तो हम ये मॉडल कॉपी कर लेते हैं। कॉपी और यहाँ पे इसने हमें कितने कहे थे, कंपाइल ये है ना, कंपाइल ये है, इसकी क्लासेस 5 है, उसकी 46 थी, उसके वो जो तो न्यूज़ वायर की उसकी 46 फीचर्स थे, इसके फीचर्स कितने, तो इसलिए और लास्ट उसने फीचर्स वाला दिया। इसके फीचर्स सर, इसके तो बहुत सारे हैं, इसके 46 थे, नहीं उसके तो फीचर्स नहीं, इस वो तो बेटा वो है ना आउटपुट है, नहीं उसके तो वो ये तो क्लासेस है ना, फीचर्स की बात हो रही, फीचर्स इसके हर पांच 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 बनेंगे सर, नहीं वो तो नहीं, एक मिनट, फीचर्स इसके बनेंगे आपके अल्लाह भला करे, चेक करके देखते हैं।
हर 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 पिक्चर के बनेंगे, आप अभी बताता हूँ आपको, हर पिक्चर के फीचर इसके बनेंगे। अच्छा इसको फ्लैटन भी तो करना है ना, फ्लैटन कर जी लेते सर। हैं, हाँ इसको फ्लैटन करना है। इसको फ्लैटन करना है। इसमें जो शेप आएगी ना सर आई वो थिंक सर इमेज के चार फीचर्स होते हैं आई थिंक। इमेज के मतलब एक होता है, मतलब मेरा मतलब कहने का है ऐसा होगा शायद, मैं आपको बताता हूँ। हर पिक्चर के अब कितने हैं, सॉरी यहाँ पे ऊपर जाए ना, थ्री थ्री उसके वेट तो ट्वेंटी हायर थ्री टेक सर। सर थ्री उसके ट्वेंटी टू चार फोर्टी फीचर्स हो गए सर, थ्री चार ट्वेंटी फीचर्स टू होंगे उसमें फोर्टी सर। हो वेट गया। लेंथ और चैनल और उसका सर पिक्सल्स, हाँ वेट लेंथ पिक्सल और उसके चैनल होगा सर। देखिए, हमने जो ग्रे स्केल वाला किया था, ग्रे स्केल वाले में हमने क्या किया था, उससे उसका एक ही पिक्सल था और पिक्सल एक था हर उसका, और उसके रोज और कॉलम कितने थे, 28 28, ठीक है। इसके जो पिक्सल हैं ये हैं, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेंगे 320 मल्टीप्लाई 240 240, तो ये आपके बन गए 320 मल्टीप्लाई 240। पहले तो आपके ये बन गए 76,800। उसके बाद आपका जो है असल में सर बात सुने, मैंने देखें मल्टीप्लाई थ्री, मल्टीप्लाई सर, थ्री नहीं नहीं सर हम गलत साइड पे जा रहे हैं। हमने उसके कोई एक फीचर को, हमने फीचर में एक्चुअली इसके फीचर से मुराद इसकी कैटेगरी है कि कौन से कैटेगरी में लाए करता है। हमने कैटेगरी पहले ही फ्लैट कर दी हुई है, तो हमने तो एक्चुअली उसको ये करना है कि हाँ ये कौन सा होगा। तो वो तो फिर फाइव करने का मतलब यह है कि अल्टीमेटली हम किस फॉर्म में चाह रहे हैं, फाइव फॉर्म में हम चाह रहे हैं, या वो रोज कहेगा या वो कोई कहेगा। नहीं, मैं आपको अभी बता देता हूँ, अभी देखिएगा, मैं आपको इसका आपका हल बताता हूँ। आपने करना ये है कि आपने ये जो है ना, ये जो है इसको आपने रीशेप करना है, रीशेप करना है 3024 320 स्टेरिक 240 स्टेरिक थ्री, इसमें रीशेप करना है। ठीक यस सर, ये सर आई थिंक हाँ सही है, ये स्टेप छूट गया था, ये अब ये लीनियर में आ गया ना। जी ये हो गया, इसमें आप रीशेप कर देंगे ना फिर ये। टेस्ट 3000 नहीं है सर, टेस्ट कम होगा, अच्छा टेस्ट वो वाला आप है 3004 कर दिया आपने, वो थ्री वन नाइन नाइन 3113 नहीं, वो कम वन होगा, नाइन 1319। ये अब आपका रेडी है उसके अंदर जाने के लिए ना, मॉडल के अंदर। तो यहाँ पे आपने यही वाली शेप जो है ना, ये वाली यही देनी है, ये इधर मॉडल में यहाँ पे। ठीक है जी, डॉक्टर साहब यहाँ पे हमारे पास तो पांच हैं, तो ये सॉफ्ट मैक्स वाली डेंस लेयर हमने पांच क्यों नहीं दी, 46 क्यों हम दे। वो तो बुक से कॉपी किया ना, हम अभी डाल देते हैं ना सारी सारी। ये इसने हमें कही है कितनी लेयर्स कही हैं, यहाँ पे उसने कहा है कितनी लेयर लगेंगी। नहीं सर जो हमें रिजल्ट तक ले जाए वो हम पे, वो नहीं था कहीं तो पढ़ा है मैंने। अच्छा नहीं, वो हमने वो दूसरी असाइनमेंट कर रहे थे खैर। इस असाइनमेंट में, नहीं है इसमें, सिर्फ 60 40 दी है और 85+ रिजल्ट के लिए बोला। जी, तो हम और देख लेंगे कहाँ पे हमें अच्छा मिल रहा है ना। तो ये आ गया आपका, कंपाइल हो गया, उसके बाद आपने जो है ना कॉपी
कंपाइल हो गया ये आपका, तो वो 46 की जगह 5 कर दो जी। अच्छा एक मिनट, वन हॉट एनकोड भी तो करना है ना उसको, लेबल्स को। नहीं लेबल्स तो आपके पहले से वो नहीं है जीरो वाले, नहीं नहीं वो 0 1 2 3 4 है ना सर, तो उनको वन हॉट एनकोड करना है। तो वो आपने वन हॉट एनकोड किया नहीं था, तो आपने जीरो वन दिया था जो मैं आपसे क्वेश्चन। नहीं वो 0 1 नहीं दिया था, वो 0 1 2 3 4 दिया है, चार क्लासेस बनाई हैं। उसको लेबल एनकोडिंग कहते हैं अगर अपने प्रिंटर से देते। नहीं नहीं वो लेबल सर कह रहे हैं, सर के पॉइंट को समझे, वो 0 1 में करना है, वो तो उन्होंने क्लासेस के लिहाज से अलग किया था, अब एक्चुअली जब इसमें जाना है तो वो 0 1 होगा। वो तो लेबल्स किया था, तो सर वो 0 वाले को कैसे 0 1 करेंगे? जीरो वालों को जीरो वाले जीरो क्लास के सारे जीरो है ना, तो वो जीरो वाले पे वन आएगा ना, जीरो वाली जगह पे वन आएगा, बाकी जगह पे जीरो आएगा, तो जो फोर पे जहां फोर प्रेजेंट है तो वो कैसे होगा? सजा साहब आप समझे नहीं, वन है ये सजा साहब बोल रहे हैं, ये शाह साहब ने बोला जी, सजाद ने सजा सजा साहब बन गए, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मसला ये है कि जहाँ पे हमारे जीरो होगा ना, जब वन हार्ट एनकोडिंग होगी उसका मतलब ये है कि इस पिक्चर के लिए ये वैल्यू वन होनी चाहिए। जी जी वो मैंने नहीं, मैं उस पे क्लियर हूँ, जीरो होना चाहिए, मैं उस मेथडोलॉजी पे कह रहा हूँ कि जहाँ के ऑलरेडी जीरो है तो वहाँ हमने वन लगाना है, वहां का तो ना, फिर आप उधर ही ले जा रहे हैं बात को। उस जीरो होने का मतलब ये है कि ये वैल्यू वो पहले वाले फ्लॉट से जो है ना वो अलग रखती है, तो वन हार्ट एनकोडिंग में वो वहाँ पे वन होगा, और जब दूसरी लाइन वो जब दूसरे पे शुरू होगा तो वहाँ पे वो जीरो आएगा सब के लिए, फिर जब दूसरी इमेजेस का जो दूसरा ग्रुप है उनके लिए इसके में जीरो आएगा और उसके लिए वन आएगा और बाकी तीन के लिए फिर जीरो आएगा। मुझे इस पे कोई भी नहीं है, इस पे मुझे बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस पे ऑलरेडी जीरो एग्जिस्ट करता है उसको, मेरा पॉइंट ये था कि उस पे वो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो वैल्यू ही है ना सर। शोका साहब अभी क्लास के ना 5 मिनट रिमेनिंग है और टाइम भी जो है ना 2:30 हो गए, तो मेरे ख्याल में इसके बाद तो फिर ज्वाइन नहीं करना ना, बाकी कल मेरे ख्याल बस कर देंगे यहाँ पे जी। ये बस एक आखिरी स्टेप करते हैं, बस जहाँ पे क्लास अभी 5 मिनट है ना क्लोज हुई तो फिर दोबारा ज्वाइन तो नहीं करा, फिर मैं ये कुछ चाह रहा फिर इंशाल्लाह कल करेंगे। अब मैं वो करने लगा उनको हॉट वन हॉट एनकोड ना, तो ये देखिएगा कि लेबल हमारे पास जो हैं ये हमने किए, ये और है टेस्ट लेबल और ट्रेन लेबल, तो यहाँ पे मैं एक वो डालता हूँ रो सर, वो जो आपने पहले लेबल्स को किया था 0 1 और वो वन हॉट एनकोडिंग नहीं थी? नहीं वो सिर्फ हमने उनको नंबर्स में चेंज किया था ना, वो तो लिखे हुए थे मतलब वो हमने तादाद उसको काउंटिंग ली थी, उस कोड का मतलब ये था कि इस एरे में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, लाइंस कितनी हैं, रोज कितनी हैं, वो रोज नंबर ऑफ रोज को उठाया था बस। नहीं 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 वो उसकी बात कर रही हैं जहाँ पे हमने हर 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 फोल्डर के उसके पिक्चर के अगेंस्ट हमने जीरोस का एक वेक्टर लिया था, फिर उसको नहीं, नहीं, ये वहाँ पे बात कर रही हैं जहाँ पे वो जीरो और वन दे के हमने वो लिया है कि टोटल तादाद के मुताबिक बनाया ना आगे जब लेबलिंग की है। वो तो जस्ट हर पिक्चर को 0 1 2 3 4 तक एक लेबल दिया है हर फोल्डर के जो पिक्चर्स है। नहीं उसकी तादाद के लिए किया है वो यार, पीछे जाके बता दें इनको जरा समझा रहे हो। मैं कह रहा हूं पहले लेबल्स बना लेते हैं फिर समझ लेते हैं। नहीं लेबल्स की तो सर समझ आ गई है, बस ये वन हॉट एनकोड मेरा मतलब है, वन हॉट एनकोड कर लें पहले फिर जी 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 ये हो गए हैं वन हॉट एनकोड, और इसके आप देख लें अब ये ट्रेन लेबल्स। सर ये मतलब वन हॉट एनकोड किसी भी हम वे में कर सकते हैं, 3-4 मेथड्स तो मैं आर्टिकल्स में देख चुकी हूँ,
लाइक मेरा था कि मल्टी क्लास के लिए एक डिफरेंट मेथड है या कोई भी वे हम चूज कर लें। अब सर मुझे ये बताएं ये क्यों पहले में सिर्फ वन है और बाकी सब में जीरो है, ये क्या इसने किया? वो मेरे ख्याल जीरो टेन उठाए आपने, अच्छा जीरो टेन उठाए, जीरो टू जीरो टू टेन वैल्यूज लिए। अगर आप 100 उठाएं तो क्या है? 100 भी नहीं, वो आप इस तरह करें कि 800 के बाद उठाएं सर, 800 के बाद, पहले 769 तो पहली क्लास के थे ना, तो इस तरह करें कि 769 के बाद उठाएं। ये तो सीरीज में दे रहा है फिटनेस, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, जा रहा है। नहीं नहीं ये सीरीज नहीं, नहीं दे रहा है, दूसरा सीरीज में, इसलिए कि सर इकट्ठे हमने इकट्ठे किए हुए हैं ना, हमने इकट्ठे किए हुए हैं तो उसने नहीं नहीं ना, स्टेप हमने तो रैंडमाइज किए थे सर, आपने स्टेप हमने रैंडमाइज किए थे, रैंडम ट्रेंड्स अंडरस्कोर लेबल्स रैंडमाइज किए थे ना, तो ये वो आप वाली बात ठीक लग रही है अब इस वक्त सर, मान ले सर समीला साहब अब आए ना। मसला ये है कि आपने वो नीचे जाके किया है, इसको पहले इसके फौरन बाद करें, ऊपर वाला सेल रन करने के बाद करें, ऐसे कैसे? हाँ ये भी सही, दोबारा करते हैं, इसका गलती नहीं करता। होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, तो इस तरह की हरकतें नहीं करता। अब तो मैं भी कन्विंस हो गया था, अब इसने ये कर भी उन्होंने वो नीचे डिफेंड जाके वे पे किया है ना, ऐसा नहीं होता। देखते हैं सर, देखते हैं। ये सेल रन करने के बाद आप इसको पहले वैल्यू चेक करें यहाँ पे ना, यहाँ पे चेक करें, अब इसके बाद नया सेल डाल के ना ये टेस्ट लेबल्स को चेक करें, ट्रू फॉल्स के अंदाज में चेक कर लें या इसका डेटा देख के चेक कर लें, कुछ भी कर लें, लेबल्स नहीं है, एस नहीं है उसमें। अरे नहीं, अब ये तो नॉट नॉट मास्क है ना, ये तो नॉट मास्क है ना, अब इसमें आप यानी कि ये आगे से जाके कहीं शुरू होगा सर, मतलब... पहले समझे समझे, ये टेस्ट अंडरस्कोर लेबल्स है और ऊपर टेस्ट अंडरस्कोर लेबल है आपका, ट्रेन नाम ही गलत है ना, नाम सर नाम उसका लेबल्स नाम गलत है, ठीक है ये क्या है, टाइम खत्म होने वाला है less than 60 seconds. ओ अच्छा तो ठीक है, ये देखे ना यहाँ पे भी जीरो आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा रैंडमाइज है, रैंडमाइजेशन है, ये नहीं है कि नहीं है रैंडमाइज। ये जीरो की रैंडमाइजेशन लग रही है सर। अब वन की रैंडमाइजेशन।